अपने को इधर देखने का है। देखिए हर एक बालकोनी की जो जाली की जो डिजाइन है वो सभी अलग अलग है, और उसी के नीचे देखिए एक ब्लॉक के अंदर कभी एक कभी दो कभी तीन मोर निकालेंगे, मोर जो कि डांस करते हैं, और मुंह में है मोतियों की माला वो भी पत्थर की बनाई गई। और उसी ब्लॉक के अंदर देखिए चार या पांच फूल बनाए हुए, कमल का फूल है जो कि डिटेचेबल है, जिसको हम निकाल सकते हैं लगा सकते हैं। तो जो आउटर पार्ट को बोलते हैं कमल महल, ये देखिए आपकी जानकारी के लिए स्टेज में कोने पे देखिए एक फूल टूटा हुआ है, बिल्कुल उधर उधर लास्ट कोने पे देखिए दो फूल टेढ़े हैं, कोने पे इधर वाला टूटा हुआ है उधर में देखिए टेढ़ा है। तो जब कभी इसको लास्ट में लगाया गया तो टेढ़ा लग गया है, मैनुअल मिस्टेक, इसके लिए बोलते हैं कमल महल। देखिए ऊपर की साइड में पहले की जो हवेली है दो स्टोरी और ऊपर थी, इसका लेवल था किले के बराबर, और उस समय जो दीवान साहब थे उनका प्लान था ऊपर ही ऊपर तक का ब्रिज बनाने का, जाने आने के लिए रास्ता, लेकिन ये चीज़ सक्सेस नहीं हुई। उससे पहले उनका अंतकाल हो गया, अंतकाल होने के बाद में राजा नहीं चाहते थे कोई भी हवेली या कोई भी पैलेस जो कि मेरे बराबर हो, तो उन्होंने दो स्टोरी को उतरवा दिया। अभी है 7 मंजिला बिल्डिंग, पहले थी 9 मंजिल। तो अभी ये पार्ट है मेन पार्ट इस हवेली का, ऊपर में इसके चारों तरफ टोटल 38 बालकोनी बनाई हुई है। देखिए हर एक बालकोनी के अंदर जो है अलग अलग स्टोन कार्विंग की हुई है, मीन्स 38 डिजाइंस नहीं हम। और सबसे बढ़िया ब्यूटी सवली की देखेंगे कि ये जो आर्च में पत्थर के फूल लटक रहे वो भी डिटेचेबल है। तो पहले वो जो फूल है वो काम आते हैं डेकोरेशन के लिए फॉर फेस्टिवल टाइम, जैसे कि आज कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम डेकोरेशन करते हैं लाइटिंग के द्वारा, लेकिन 400 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जैसलमेर के अंदर पूरा डेजर्ट था और डेजर्ट के अंदर नेचुरल फ्लावर नहीं होते, लेकिन जो दीवान साहब थे उनको फूलों का बड़ा शौक था तो उन्होंने बनाए पत्थर के फूल, काम लिएगा डेकोरेशन के लिए, वापस उसको निकाल के और काम आता है नेक्स्ट फेस्टिवल के लिए। फिर देखिए नीचे में और ऊपर में मयूर का आर्ट है, पिकॉक, पिकॉक जो है उस समय सिंबल का राजस्थान का सिंबल था, एजुकेशन आर्ट एंड ब्यूटी का भी सिंबल था, आज हमारा नेशनल बर्ड भी है। तो देखिए बेस एक ही है लेकिन इसके अंदर जो डिज़ाइनें बनी ना वो सभी अलग अलग है, द लुक लाइक सेम है बट नॉट द सेम ऑल डिफरेंट। तो इसके अराउंड में 142 डिज़ाइन मिलेगी मयूर की, सभी अलग अलग। थोड़ा सा मैं गौर करवा देता हूँ आपको, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, ये यहाँ देखिए ये इसमें फ़र्क है, यहाँ पर भी फ़र्क है, फैदर में भी फ़र्क है, फ्लावर पॉट के अंदर भी फ़र्क है, फ्लावर पॉट के अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर फ़र्क है, लुक लाइक सेम है बट नॉट द सेम ऑल डिफरेंट। टोटल 142 डिज़ाइन मयूर की।